दोस्तों, मैं नैनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी एक नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह जानकारी यह वीडियो पूर्ण रूप से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इसके आधार पर कोई अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना करें। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यह वीडियो एरीज एग्रो से संबंधित है। एरीज एग्रो लिमिटेड बहुत दिन से, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से ही मेरे कवरेज में है और इसका रिकमेंडेशन मैंने 45 रुपीज पे किया था और समय समय पे आप लोगों को इसका अपडेट भी मैं देते रहता हूँ। तो दोस्तों, इस पे एक न्यूज है, इसका रिजल्ट का डेट एक्सटेंड हो गया है, जो अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले आप देखिए कि आज जो एरीज एग्रो का क्लोजिंग प्राइस है वो 112 रुपये पे क्लोज हुआ है और आज का डे हाई जो है 117 रुपये के आसपास है। कंपनी लगभग 145 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है और कंपनी जो है, इसका पूरा एनालिसिस देखने के लिए, इस कंपनी के बारे में जानने के लिए जो हमारा एनालिसिस का वीडियो है उसको आप जरूर देखें ताकि आपको कंपनी के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि हम न्यूज पे चलते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट में पोस्टपोनमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग। एक सेबी का ये लेटर है जो आपको दिख रहा होगा। ये लेटर के अनुसार जो जिस व्यक्ति को भी जो डायरेक्टर है, प्रमोटर है, ऑडिटर है, जो भी रिजल्ट में इन्वॉल्व रहता है, उसमें से किसी को भी अगर कोविड हो जाता है तो उसके लिए रिजल्ट के पब्लिशिंग डेट में छूट दी गई है। और उस छूट के तहत, चूँकि ये ऑडिटर साहब जो हैं स्टैचुअरी ऑडिटर, उनको कोविड हो गया है, तो इसके लिए अब जो इसका रिजल्ट है 29 जून को आएगा, जो आज ही आने वाली थी। तो दोस्तों, अब आपको रिजल्ट के लिए 29 जून तक वेट करना पड़ेगा और जैसा भी रिजल्ट आएगा या उससे पहले अगर कोई कंपनी में डेवलपमेंट होती है तो उस पर भी आपको पूरा वीडियो में आपको बना के दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा और आप लोग इसके लिए वेट करिए। और आपको मैं बताऊं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपनी भावनाओं से मुझे अवगत जरूर कराइए। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।